वेलकम टू एजुकेट ऑल इंडियंस। एजुकेट ऑल इंडियंस में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए 18 अप्रैल 2019 का करंट अफेयर लेके आए हैं, जिसका पहला क्वेश्चन है, भारतीय चुनाव आयोग ने वेल्लोर लोकसभा सीट पर मतदान को रद्द करने के लिए किसके पास सिफारिश भेजी थी। ठीक है, तो अभी भारतीय चुनाव आयोग ने वेल्लोर जो लोकसभा सीट पर मतदान को रद्द किया है, ठीक है, तो इसके लिए किसके पास सिफारिश भेजी है, तो वो राष्ट्रपति के पास सिफारिश भेजी है। ठीक है, राष्ट्रपति के पास उन्होंने सिफारिश भेजी है। तो याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, क्योंकि चुनाव आयोग अगर कभी भी लोकसभा सीट पर कोई भी चुनाव रद्द करता है तो वो राष्ट्रपति के पास सिफारिश भेजता है। ठीक है, तो ये पॉलिटी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के पास अपनी सिफारिश उसने भेजी है। चलिए इसके बारे में भी जान लेते हैं, तो यहाँ पे चुनाव रद्द क्यों हुए, क्या है रीज़न। तो वेल्लोर में 18 अप्रैल 2019 को मतदान किया जाना था। दरअसल हाल ही में वेल्लोर में डीएमके के उम्मीदवारों ने वेयर हाउस में 11.5 करोड़ रुपए की नकदी प्राप्त हुई थी। ठीक है, निर्वाचन आयोग ने इस धनराशि से चुनावों को प्रभावित किए जाने की आशंका से वेल्लोर में मतदान रद्द करने की सिफारिश की थी। गैरतलब है कि ऐसा पहली बार हुआ है जब किसी लोकसभा क्षेत्र में मतदान को नकदी मिलने के कारण रद्द किया गया था। तो ये इसलिए ये पहली बार हुआ है, इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रखता है ये। ठीक है, कि नकदी मिलने के कारण इसे रद्द किया गया। अब तक तमिलनाडु में 500 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जब्त की जा चुकी है, जिसमें से 205 करोड़ रुपए नकद तथा शेष सोने के रूप में जब्त किया गया है। ठीक, तो ये थे इसके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कहाँ पर 30 अप्रैल से 1 मई 2019 के दौरान विश्व के सबसे बड़े आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। तो विश्व का सबसे बड़े आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा, तो ये किया जाएगा संयुक्त अरब अमीरात में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नासा के किस मिशन ने पृथ्वी के आकार के ग्रह की खोज की। तो नासा के टीज मिशन ने पृथ्वी के आकार के ग्रह की खोज की। अब ये टीज का फुल फॉर्म भी याद रखिएगा, ट्रांजिटिंग एक्सोप्लैनेट सर्वे सैटेलाइट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत की किस महिला क्रिकेट खिलाड़ी को स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप में भारतीय टीम का गुडविल एम्बेसडर चुना गया। तो ये मिथाली राज को गुडविल एम्बेसडर चुना गया है। ठीक है, स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप में भारतीय टीम का गुडविल एम्बेसडर चुना गया है, मिथाली राज। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखिएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। किसने ग्रह फाइनेंस लिमिटेड का बंधन बैंक लिमिटेड के साथ विलय को मंजूरी दे दी है। तो ग्रह फाइनेंस लिमिटेड का बंधन बैंक लिमिटेड के साथ विलय को मंजूरी किसने दी है, तो ये दी है भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग। फर्स्ट ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन है इसका, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने। ठीक है, तो ग्रह फाइनेंस लिमिटेड का बंधन बैंक लिमिटेड के साथ विलय को मंजूरी दी है भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और ये याद रखिएगा कि किस किन दो चीज़ों का विलय हुआ है, तो ग्रह फाइनेंस लिमिटेड और बंधन बैंक का, दोनों का विलय हो गया है और इसे मंजूरी दी है सीसीआई ने। ठीक है, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा है कि दुनिया भर में पिछले साल की समान अवधि की तुलना में 2019 के पहले 3 महीने में खसरे के मामले कितने फीसदी बढ़ गए। तो खसरे के मामले 300% बढ़े गए हैं। ठीक है, हाँ, 2019 के पहले 3 महीने में खसरे के मामले 300% बढ़े हैं पूरे विश्व में। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने ऐसा कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन। पूर्व भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन सैटेलाइट सेंटर के किस निदेशक का निधन हो गया, वह 66 वर्ष के से। तो पूर्व भारतीय हैं ये, अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन सैटेलाइट सेंटर के ये निदेशक रह चुके हैं, इनका भी निधन हुआ है। तो इनका नाम है डॉक्टर एस के शिव कुमार, इनका भी हाल ही में निधन हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। होम एक्सपो इंडिया 2019 का 8वां संस्करण कहाँ शुरू हुआ। तो होम एक्सपो इंडिया 2019 का 8वां संस्करण ग्रेटर नोएडा में शुरू हुआ। ठीक है, याद रखिएगा, होम एक्सपो इंडिया 2019 का 8वां संस्करण ग्रेटर नोएडा में शुरू हुआ है।
तो दोस्तों ये थे आज के हमारे करंट अफेयर। अगर आपको हमारा करंट अफेयर पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।